क्योंकि वो मुझसे पर्सनली दो बार इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है एंड अगर आपके इंटरव्यूअर को डी वगैरह काफ़ी ठीक ठाक आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह उनको पता है किस तरीके से होती है तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूछने के लिए क्विक सॉट वर्सेज वर्स शॉट वाला या क्विक शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला इवन आप एग्जाम्स देते हैं अलगोरिदम नाम के आपके सब्जेक्ट्स आते हैं तो उसके अंदर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो शुरुआत करते हैं क्लास की क्विक सॉर्ट के बारे में सीखेंगे आज तो क्विक सॉर्ट में हमें पहले से पता है कि क्या करना होता है एक अनसॉर्टेड एरे को एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना होता है सॉर्टेड एरे हमें ऑलरेडी पता है ऐसा एरे जिसके अंदर या तो एलिमेंट्स राइट टू लेफ्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है अब क्विक सॉर्ट को पढ़ने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखने पड़ते हैं ये दोनों क्विक सॉर्ट के बेस को बनाते हैं इनमें से सबसे पहला कीवर्ड है पिवट और दूसरा कीवर्ड है पार्टीशन पिविट अगर हमने ग्यारहवीं बारहवीं में फिजिक्स हमें अच्छी लगती होगी तो उस टाइम पर याद होगा कि पिविट एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके अराउंड चीज़ें रोटेट कर सकती हैं अगर नॉर्मल इंग्लिश की भी बात करें तो पिविट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड सारी चीजें चल रही हैं एक मेन पॉइंट एक सेंट्रल पॉइंट तो यहां पर भी हमारे एरे में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अराउंड हम क्विक सॉट को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो वो होगा हमारी कहानी का हीरो यानी हमारा पिविट दूसरा कीवर्ड है पार्टीशन पार्टीशन का क्या मतलब होता है हम इस हीरो के अराउंड इस पिविट के अराउंड अपने एरे को इधर उधर इसके एलिमेंट्स को भेज रहे होंगे कुछ एलिमेंट्स को इस हीरो से पहले भेजेंगे कुछ एलिमेंट्स को पिविट के बाद भेजेंगे तो उस वाले स्टेप को हम पार्टीशन कहते हैं तो इन दोनों कीवर्ड्स को मिलाकर हमारी जो क्विक क्विकसॉट की अलगोरदम है वो पूरी तरह इंप्लीमेंट की जाती है अब पिविट को चूज करने का एक तरीका नहीं होता बहुत सारे तरीके होते हैं पहला तरीका है कि हम क्या करें एक रैंडम एलिमेंट को अपना पिविट बना लें दूसरा तरीका है कि हम मीडियम निकाल लें सारे के सारे एलिमेंट्स का और उसको अपना पेविड बना ले तीसरा तरीका है कि हमारा जो पूरा एरे होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम अपना पेविड बना ले और चौथा तरीका है कि अपने एरे के लास्ट एलिमेंट को हम अपना पेविड बना ले अब यहां पर मैंने मोस्टली क्विक क्विकसॉट के अलगोरिज्म के जो इंप्लीमेंटेशन देखे हैं या मैं जो सालों से करती आई हूं वो है हमारा फोर्थ तरीका यानी जिसमें हम अपने एरे के लास्ट पॉइंट को अपना पेविट बना रहे होते हैं और उसके अराउंड अपने पूरे के पूरे क्विक क्विकसॉट को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये तीन तरीके भी हैं जिनसे क्विक क्विकसॉट इंप्लीमेंट हो जाता है पर यहां पर हम सीख रहे होंगे अपने लास्ट एलिमेंट से क्विक क्विकसॉट को इंप्लीमेंट करना तो अब सबसे पहले क्या करेंगे क्विक सॉर्ट का एक बेसिक फंडा समझेंगे और फिर देखेंगे इस बेसिक फंडे को कोड में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो बेसिक फंडा क्विक क्विकॉर्ट का ये है कि यहां पर हम पिविट को लास्ट एलिमेंट की तरह ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पिविट अब क्या करेंगे इस को, इस को को अगर हमें पूरे सॉर्टेड एरे में देखना होगा तो इस की बीच में कहीं जो जनरल केसेस हैं सही जगह होगी क्या मतलब है अगर इस एरे को मैं सॉर्ट कर दूं तो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से मेरे अरेन्ज होंगे इसके अंदर पिविट जो है इस इंडेक्स यानी आई इज इक्वल टू फोर पर आ रहा है तो आई इज इक्ल टू फोर पिविट की सही पोजिशन है तो हमारा काम है इस पिविट से जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनको पिविट से पहले भेज देना और पिविट से बड़े एलिमेंट्स को पिविट के बाद भेज देना यानी इससे छोटे एलिमेंट्स क्या होंगे इससे छोटे एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे लिए सिक्स क्या पेविट से छोटा है हाँ छोटा है हमारे लिए थ्री क्या पेविट से छोटा है हाँ छोटा है नाइन क्या पेविट से छोटा है नहीं है तो नाइन को पिविट के बाद भेजेंगे फाइव क्या पेविट से छोटा है हाँ छोटा है टू क्या पिविट से छोटा है हाँ छोटा है तो यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स जो पिविट से स्मॉलर थे छोटे थे वो पिविट से पहले आ गए जो एलिमेंट्स पिविट से लार्जर थे वो आ गए के बाद। अब हमने क्या किया एक बड़े एरे को छोटे दो एरेज में डिवाइड कर दिया और पिविट को उसकी सही पोजीशन पर ले आए अब हमारा काम है इन छोटे एरेज को भी सॉर्ट करना तो इन पर भी क्या करेंगे रिकर्सिव हम क्विक सॉर्ट लगा देंगे यानी यहां पर इस एरे में टू को ले लेंगे हम एज पिविट और टू की सही जगह यहां कहीं होगी बीच में अब क्या करेंगे टू से छोटे एलिमेंट्स को पहले डाल देंगे। तो टू से छोटा एलिमेंट क्या है कुछ भी नहीं तरीके का रहेगा जिसमें पहला एरे खाली है और दूसरे एरे में कुछ एलिमेंट्स है अब अगले रिकर्सिव स्टेप में फाइव को पेविट ले लेंगे हम लिख लेंगे सेंटर में और फाइव से छोटे एलिमेंट्स यानी थ्री को यहां पर रख देंगे से बड़े एलिमेंट्स यानी को यहां पर रख देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एरे डिवाइड हो जाएगा अब थ्री को अगर हमें सॉर्ट करना है तो इस पर क्विक सॉर्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्री में सिंगल एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट हमेशा एक सॉर्टेड एलिमेंट होता है सेम फॉर सिक्स सिक्स भी एक सॉर्टेड एलिमेंट है तो यहां पर ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं एलिमेंट राइट तरफ देखें तो यहां पर है नाइन नाइन भी ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है अब यहां से आप पूछ सकते हैं कि हमें एक sorted array कैसे मिल गया? यहां पर तो हमने बस एलिमेंट तो हम पूरे पूरे right तो जो हमारा आता है वो आता है टू तो टू को हमने लिख दिया उसके बाद हमारे पास आता है थ्री तो थ्री को लिख दिया उसके बाद आता है फाइव तो फाइव को लिख दिया उसके बाद आता है सिक्स सिक्स को लिख दिया एट एट को लिख दिया और फिर आता है नाइन तो नाइन को लिख दिया तो ये जो एरे बनेगा होगा को, को डाल दो पिवट से छोटे एलिमेंट्स पिवट से पहले पिवट से बड़े एलिमेंट्स पिवट के बाद और इस तरीके से इंटरनली एरे छोटा, छोटा 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 होते होते सॉर्ट हो जाएगा अब इसको कोड की फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट किया करते हैं कोड इसका काफी इंटरेस्टिंग है कोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे हर लेवल पर दो वेरिएबल्स लेंगे रिकर्जन में एक वेरिएबल होगा लो एक वेरिएबल होगा हाई. लो स्टोर करेगा एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स यानी जीरो हाई स्टोर करेगा एरे का एंडिंग इंडेक्स यानी इस केस में फाइव अब ये एंडिंग इंडेक्स लेंथ नहीं है एरे की ये एंडिंग इंडेक्स हमारा एन माइनस वन है यानी इसमें छ है लेंथ तो फाइव को हम हाई लेंगे और एक और नया वेरियबल ले लेंगे जिसका नाम है आई आय का काम का होगा कि जो भी एलिमेंट्स पिविट से छोटे हैं उनके लिए जगह बनाए एरे में यानी I बेसिकली सर्व कर रहा है बाकी सारे एलिमेंट्स को कि आइए आपके लिए जगह बनाई जाएगी एरे में वो एलिमेंट्स जो हमारे पिविट से छोटे हैं अब I को शुरुआत में हम वैल्यू देते हैं लो माइनस वन यानी हमारे केस में माइनस वन उसकी वैल्यू जाएगी कि अभी के लिए एक भी एलिमेंट नहीं है जो पिवट से छोटा है तो अभी किसी जगह की जरूरत नहीं है अब पूरे के पूरे एरे के ऊपर हम ट्रेवर्स करेंगे और सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे अपने पिविट से और पैरेलली क्या मान लेंगे पैरेलली मान लेंगे कि हमारे पास पूरा का पूरा एरे है जिसके अंदर छह जगह हैं और हमारे पास ऑलरेडी वहां पर सिक्स थ्री नाइन फाइव टू एट स्टोर्ड है अब पहला स्टेप होगा कि हम फर्स्ट एलिमेंट पर जाए जो कि होगा सिक्स अब सिक्स को कंपेयर करें अगर पिविट के साथ पिविट होगा यहां पर हमारे लिए एट तो ये है हमारा पिविट तो सिक्स को एट के साथ कंपेयर करेंगे तो सिक्स छोटा है तो i को के बनते ही वो अपने इंडेक्स पर जाएगा जो भी वैल्यू वो होल्ड करता है एरे में और वहां पर जो भी बैठा हुआ एलिमेंट होगा उसको अपनी कुर्सी से खड़ा कर देगा और वहां पर छोटे वाले एलिमेंट को बिठा देगा तो कोइंसिडेंटली i क्या करेगा यहां पर छे को हटाएगा

अब एक और आगे बढ़ जाएंगे फाइव के पास फाइव पिविट से छोटा यानी से छोटा है तो आई को जगह बनानी पड़ेगी आई जगह को हटा देगा और यहां पर फाइव को बिठा देगा आगे बढ़ जाएंगे तो अब आ जाएंगे टू पर टू को कंपेयर करेंगे एट, के साथ, टू छोटा है एट से तो आई को जगह बनानी पड़ेगी आय जगह बनाने के लिए बन जाएगा आई इज इक्वल टू थ्री और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से इन को हटा देंगे टू को बिठा देंगे और नाइन को कहा बिठाएंगे टू की जगह तो इस तरीके से आय क्या करता है स्वॉप कर देता है वहां पर जिसको जिसको एलिमेंट को बिठाना है वहां पर उसे बिठा देता है और ओरिजिनल पोजिशन पर पुराने एलिमेंट को जाकर बिठा देता है तो इस चीज को हम स्वॉपिंग कहा करते हैं अपने कोडिंग की लैंग्वेज में बेसिकली दो एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देना अब हमारा अगला एलिमेंट है हमारा पिविट पिविट को कहां पर बिठाया जाएगा पिविट को ऑब्वियसली उससे छोटे वाले एलिमेंट्स तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं अब आई को प्लस प्लस कर दे, तो पिविट की सही जगह आ जाएगी यानी पिविट को बिठाया जाएगा यहां पर आई इज इक्वल टू फोर पर हमारा पिविट आ रहा होगा और अगर अपने सॉर्टेड एरे को भी देखें तो यहां पर क्या है आई इज इक्वल टू फोर पिविट की सही जगह तो एक लूप के अंदर हमने पिविट की सही जगह निकाल ली छोटे वाले एलिमेंट्स को पिविट से पहले बिठा दिया बड़े वाले एलिमेंट्स को पिविट के बाद बिठा दिया तो यहां पर एट आ रहा होगा और यहां पर हम नाइन को बिठा देंगे एट की जगह तो अगले लेवल पर हमारा जो एरे होगा वो कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा कि शुरुआत में हमारे पास होगा सिक्स फिर थ्री फिर फाइव फिर टू बीच में होगा हमारा पिवट और बाद में होगा हमारा एलिमेंट नाइन तो ये सिक्स टू यहां से हमने लिया है नाइन यहां से लिया है और ये है हमारा पिवट तो यही पार्टीशन है जो हमने फंडे में डिस्कस किया था और इसी तरीके से हम हर स्टेप पर क्विक शॉट को इंप्लीमेंट करके एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे होंगे अब सेम चीज सेम क्विकसॉट का जो पैटर्न है वो हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस छोटे वाले एरे पर तो कुछ इस तरीके से हमारा क्विकसॉट काम करता है जिसमें हम तीन वेरिएबल्स को लेते हैं पार्टिशनिंग करने के लिए पहला होता है लो दूसरा होता है हाई और तीसरा होता है हमारा ये आई जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से पार्टिशनिंग पॉसिबल हो पाती है तो हम बात करने वाले हैं हम क्विक सॉर्ट के कोड की तो कोड के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी एक एरे को डिफाइन कर दिया है सबसे पहले इसका साइज लिख लेते हैं एक वेरिएबल एंड में जो होगा एरे डॉट लेंथ के इक्वल अब हम एक फंक्शन बनाएंगे क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे हम पास करेंगे अपना एरे और अपना लो एंड हाई लो यानी हमारे एरे की शुरुआत हाई यानी हमारे एरे का एंड तो उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड क्विक सॉर्ट जिसके अंदर हमारा एरे जा रहा होगा हमारा लो जा रहा होगा और जा रहा होगा हमारा हाई अब मेन फंक्शन से इस फंक्शन को हमारी कॉल लगने वाली है क्विक सॉर्ट के अंदर पास कर रहे होंगे एरे लो होगा हमारे लिए शुरुआत में जीरो और हमारा हाई क्या होगा हमारा हाई होगा हमारा लास्ट इंडेक्स एरे का तो वो एन नहीं लेना क्योंकि एन हमारी लेंथ होती है वो लेना है एन माइनस वन तो यहां पर लेंगे एन माइनस वन एन जैसे ही आएगा तो उस एरे को हम प्रिंट करवा देंगे जो कि एक सॉर्टेड एरे होगा अब क्विक सॉर्ट के अंदर पहला स्टेप होता है कि हम चेक कर लें कि हमारा जो लो है वो हमारे हाई से हमेशा कम हो तो कंडीशन इसमें लिखेंगे इफ लो इज लेस देन हाई तभी हमारा जो क्विक सॉर्ट है वो इंप्लीमेंट हो रहा होगा अगर ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमारा हाई लो से छोटा हो जाता है तो उस केस में हमारे लिए क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंटेड नहीं होगा तो वहां पर हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे अपने क्विक सॉर्ट फंक्शन के अंदर अब लो इज लेस देन हाई में क्या लिखनी है पहली कंडीशन है कि हम ना पिविट हम निकाल लें तो इंट पिविट हमने निकाल लिया मान लेते हैं कि एक दूसरा फंक्शन होगा जो क्या करेगा हमारे एरे को पार्टीशन कर देगा पार्टीशन किस तरीके से करेगा वहां पे एंड एलिमेंट को निकालेगा एज पिविट और उसके बाद उस एंड एलिमेंट को अपनी सही जगह पर प्लेस करेगा छोटे वाले एलिमेंट्स को पहले डाल देगा बड़े वाले एलिमेंट्स को बाद में डाल देगा तो एक ऐसा फंक्शन है जो मेन काम जो है क्विक सॉर्ट का वो करके हमें देगा और इस फंक्शन को नाम दे देते हैं, partition. Partition के अंदर हम नाम हमें सारी की सारी लौटा कर दे देगा अब पिविट हमें एक बार मिल गया यानी पिविट की हमें सही पोजिशन एक बार मिल गई तो उसके बाद क्या करना है उसके बाद दोबारा से हमें क्विकसॉट को कॉल लगानी है अब क्विकसॉट को कॉल लगाने के लिए शुरुआत के जो पिविट से छोटे एलिमेंट्स थे उनको सॉर्ट करेंगे और पिविट से बड़े वाले एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे तो पिविट से जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो कहां से कहां तक हैं वो है लो से लेकर पिविट माइनस वन तक तो ये जो हमारा पिविट था ये थी हमारे पिविट एलिमेंट की सही पोजिशन या इसको पिविट कहने की जगह हम इसे कह दें पिविट इंडेक्स तो पिविट इंडेक्स क्या होगा जहां भी हमारे पिविट की सही पोजिशन है उसका इंडेक्स है अब उससे एक इंडेक्स पहले वाले सारे एलिमेंट्स अनसॉर्टेड हैं अभी भी। तो तो इस तरीके से हमारा सॉर्ट कंप्लीट हो गया है अब अपना पार्टीशन फंक्शन हम लिखते हैं पार्टीशन फंक्शन वो फंक्शन जिसके अंदर सारा का सारा हमारा मेजर सॉर्ट का, का काम होने वाला है पब्लिक स्टैटिक फंक्शन जो होगा वो इंट रिटर्न करेगा इंट क्यों रिटर्न करेगा क्योंकि इसको फाइनली रिटर्न करना है हमारे पिविट का इंडेक्स तो वो इंडेक्स इंट की फॉर्म में रिटर्न हो रहा होगा इसको नाम देते हैं पार्टीशन अब पार्टीशन फंक्शन में सबसे पहले हम अपना पिविट एलिमेंट निकाल लेते हैं हमारा जो पिविट एलिमेंट होगा वो होगा हमारे एरे का लास्ट एलिमेंट एरे के लास्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पर पिविट चूज किया है वरना हम कोई और भी ले सकते थे कुछ कुछ में फर्स्ट ले लेते हैं मीडियम भी लेते हैं पर हमारी जो अलगौरिदम हम लिख रहे होंगे क्विक शॉर्ट की उसमें हम लास्ट को ले रहे हैं एरे ऑफ हाई इसके अलावा अपना एक आय डिफाइन करते हैं ये आय क्या करेगा इस आय का काम है ये ट्रैक करना कि पिविट से छोटे कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे एरे के अंदर अब एरे को तो हम ट्रिवर्स कर देंगे किसी और वेरिएबल की हेल्प से इस आय का यहां पर मेन रोल इसलिए कि ये कि ये ट्रैक करेगा कितनी जगह हमारे एरे में शुरुआत से लेकर खाली होनी चाहिए ताकि हमारे से छोटे एलिमेंट उन जगह को भर सके ये हम थोड़ा सा इसको करेंगे तो हमें समझ में आएगा इंट आय को शुरुआत में हम लेंगे लो माइनस यानी अभी हम ज्यूम हैं कि पिविट से छोटा एक भी एलिमेंट नहीं है हमारे एरे के अंदर अब एरे को करेंगे ट्रिवर्स जे को लो से शुरू करते जे को लो से शुरू करके हाई तक लेके जाएंगे अब यहां पर जे की जो लास्ट वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है हाई माइनस वन क्यों क्योंकि एरे ऑफ हाई तो ऑलरेडी हमने पेविट में स्टोर कर लिया तो लास्ट इंडेक्स पर तो हमारा ऑलरेडी पिवट है तो उसके लिए लूप नहीं चल रहा है उससे पहले वाले सारे एलिमेंट्स के लिए लूप चल रहा है जैसे ही हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो हमारे पिवट से कम है तो उसको क्या करेंगे उसको शुरुआत में हमने जो खाली जगह छोड़ी थी उसके अंदर डाल देंगे तो जैसे ही हमारा एरे ऑफ जे बिकम्स लेस देन हमारा पिवट उस पॉइंट पर क्या करेंगे उस पॉइंट पर अपने आय को कर देंगे प्लस प्लस क्यों क्योंकि हमें एक और खाली जगह मिल गई एक और खाली जगह किस लिए मिल गई स्मॉलर एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए तो ये आय हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं खाली जगह ट्रैक कर रहे हैं जहां पर हमारे पिविट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स आ सकते हैं तो एक और जगह एड कर दी अब यहां पर कर देंगे स्वॉप स्वॉप किन दो एलिमेंट्स को करेंगे स्वॉप करेंगे यहां पर हम उस खाली जगह पर स्टोर जो हमारा पहले वाला एलिमेंट होगा और अभी जो हमें एक छोटा एलिमेंट मिला है उन दोनों को तो खाली जगह जो होनी चाहिए थी वहां पर ऑलरेडी एरे में कुछ ना कुछ स्टोर्ड होगा उसको तो हम जे वाली जगह डाल देंगे और जे पर वो एलिमेंट जो हमारे पेविट से छोटा है उसको वापस आकर हम खाली जगह में डाल देंगे तो इस तरीके की स्वॉपिंग रहेगी स्वॉप करने के लिए वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प जिसके अंदर स्टोर करवा देंगे एरे ऑफ आई अब एरे ऑफ आई हो जाएगा हमारे एरे ऑफ जे के इक्वल एंड एरे ऑफ जे हो जाएगा हमारे टेम्प के इक्वल तो कुछ इस तरीके से हम सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स को इस पर्टिक्युलर एक इफ स्टेटमेंट की हेल्प से सारे छोटे एलिमेंट्स को हम शुरुआत में डाल रहे होंगे एंड करने से पहले हमें एक चीज करनी है अब पिविट से छोटे एलिमेंट्स तो शुरुआत में आ गए अब पिविट को अपनी सही जगह पर कैसे लेके जाए पिविट को सही जगह पर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि पिविट अभी एंड में है तो जो भी खाली जगह जो हम आई से ट्रैक कर रहे थे उसमें एक और खाली जगह बना देंगे और उस खाली जगह के लिए हम करेंगे सोप किस तरीके से कर रहे होंगे यहाँ पर भी एक temp बना लेते हैं सबसे पहले करेंगे i++ क्योंकि pivot के लिए अब हमें खाली जगह चाहिए int temp is equal to array of i array of i में डाल देंगे अपना pivot एंड array of high जो कि थी pivot की पोजीशन या इस pivot को हम array of high भी लिख सकते हैं वहां पर डाल देंगे अपना temp और यहां से रिटर्न कर देंगे हम i i क्या है हमारे pivot का इंडेक्स तो पार्टीशन करने के बाद पिविट की सही पोजिशन क्या है इस आई पर तो ये है हमारा पिविट इंडेक्स तो कुछ इस तरीके से हमारा पार्टीशन का फंक्शन कंप्लीट हो गया है हमारा एंड में हम अपने एरे को प्रिंट करवा देंगे तो उसके लिए हम ना लूप हम लिख लेते हैं इसे सेव करके रन करते हैं रन करने के बाद हमारा जो आउटपुट आया है सिक्स थ्री नाइन फाइव टू एट के लिए वो आया है टू थ्री फाइव सिक्स एट नाइन जो कि एक सॉर्टेड एरे है तो कुछ इस तरीके से हम अपने किस के अंदर क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं आई होप कि आज की वीडियो को देखकर हमें क्विक सॉर्ट के बारे में थोड़ा और आइडिया लगा होगा अब एक मेजर चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्चुअली मेरे इंटरव्यूज में मुझसे पूछा गया है एक दो बार तो ये चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज क्विक क्विकसॉट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ इंटरव्यूज प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स में ही नहीं आती ये कभी कभी हम एलगोरिदम नाम के एक सब्जेक्ट्स अगर पढ़ रहे होते हैं एग्जाम टाइम पर तो उसमें भी पूछ लिया जाता है अब क्विक क्विकसॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम वर्स्ट केस में ध्यान दें तो क्विक क्विकसॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती है एन स्क्वायर और मर्ज सॉर्ट की अगर याद करें तो वर्स्ट केस में भी मर्ज सॉर्ट की निकल कर आती थी एन लॉग इन विच इज बेटर देन एन स्क्वेयर फिर भी कुछ कुछ केसेस में क्विक सॉर्ट को प्रेफर किया जाता है उसकी बात करेंगे क्यों करें तो कर कर case जिसमें हमारा हर पिवट कौन सा बनता है? या तो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट बनता है या हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट बनता है तो ये जो एक टिप है ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है और यही सवाल था जो एक्चुअली पूछा गया था इंटरव्यू में कि कौन से केस में क्विक सॉर्ट की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो वो केस होता है जिसमें हमारा हर बार बारिविट या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट बनता है या फिर हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट बनता है अब अगर हम पिविट को हमेशा लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा वो उस केस में पिविट हर बार होगा जब हमारा एरे जो है वो कंप्लीटली सॉर्टेड होगा या तो कंप्लीटली सॉर्टेड होगा या कंप्लीटली तो अनसॉर्टेड होगा, होगा मतलब या तो डिसेंडिंग में अरेज होगा या असेंडिंग में उस केस में हमेशा हमारा जो, जो कि हमारे या तो टाइम तो तो लगेगा एन स्क्वायर अभी एनालाइज करते हैं क्यों एन स्क्वायर लगेगा मान लेते हैं हमें एरे दिया वन टू थ्री फोर और फाइव अब इसमें कायदे से हमने फाइव को एज अ पिवट चूज कर लिया फाइव को पिवट चूज करते हुए क्या हुआ हम पिवट को कहीं यहाँ पर लिखेंगे और एक लूप चला देंगे एरे पर एरे पर लूप चलाए तो फाइव से छोटे एलिमेंट सारे यहाँ पर पहले आ जाएंगे यहाँ पर आएगा कुछ भी नहीं क्योंकि फाइव से बड़ा कुछ नहीं है अब दोबारा से इसको पिवट ले लेंगे फोर को फोर को जैसे ही हमने पिवट लिया फोर को बीच में लिख देंगे इससे छोटे वाले कौन कौन वन टू थ्री और यहाँ पर क्या आएगा नल अब दोबारा से सेम चीज करेंगे थ्री को पिविट ले लेंगे थ्री को पिविट लेने के बाद इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद वन टू यहां पर आ गया है, यहां पर आया कुछ भी नहीं और यहां पर भी हम ले आएंगे वन को और यहां पर टू को अब हर केस में हम देखें तो इसको नीचे नीचे जाने में कितने लेवल्स लगे रिकर्जन के इसको नीचे 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 जाने में लगे एन लेवल्स यानी इसको छोटा छोटा एक एक करके छोटा कर रहे हैं पहले पांच थे फिर चार हुए तीन फिर दो फिर एक तो पांच यानी एन लेवल्स लगे इसके साथ साथ हर लेवल पर हमने एक लूप चलाया तो यहां पर भी हमने एक लूप चलाया पर भी एक लूप, यहां भी यहां भी लूप चलाया तो हर लेवल पर लूप चलाने में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन आएगी या फिर इसको और थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर कैसे आई तो हम मान सकते हैं कि पहले स्टेप पर हमें टाइम लगा होगा एन क्योंकि हमने एन का लूप चलाया दूसरे स्टेप में टाइम लगा होगा तीसरे स्टेप में टाइम लगा लगाओगे एन माइनस थ्री और इसी तरीके से वन तक हम पहुंचे होंगे अब इन सारे के सारे टाइम्स को हमें लगाना तो पड़ा इन सारे के सारे टाइम्स का सम क्या होता है ये सम होता है एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू जब तक हम वन तक नहीं पहुंच जाते और ध्यान देंगे तो ये एपी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां पर वन से लेकर एन तक हम नंबर्स का सम निकाल रहे हैं जिसका आंसर होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू और ये क्या बनकर निकलता है एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये निकल कर आता है इसी की वजह से हमारी जो क्विक सॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हमारे वर्स्ट केस में क्योंकि वहां पर हम सम अगर निकालें सारे के सारे लेवल्स पर जो भी टाइम लगा तो उसमें एन स्क्वायेयर आता है पर तब भी क्विक सॉर्ट को यूज किया जाता है क्योंकि क्विक सॉर्ट में कोई एक्स्ट्रा एरे बनाकर हम मेमोरी यूज नहीं करते मर्ज सॉर्ट की तरह और ये जो वर्स्ट टाइम होता है ये बहुत ही कम केसेस में आता है तो मोस्टली क्विक सॉर्ट को अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करे तो हमेशा उसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है क्योंकि हमारे वर्स्ट केसेस बहुत रेयरली अकर करते हैं कोर्स में तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि मॉर्थ शॉट को कब इंप्लीमेंट करना है जब हमारे पास ज्यादा मेमोरी हो एक्स्ट्रा एरे हम ले सकें और हमें वर्स्ट केस में भी हमारा एन लॉग इन चाहिए क्विक शॉट को कब कर सकते हैं जब हमारे पास एवरेज केसेस है और मेमोरी हमें थोड़ी डाउन रखनी है तो उन केसेस में हम क्विक शॉट को इंप्लीमेंट करते हैं तो इस तरीके से हमने क्विक शॉर्ट को पूरा पढ़ लिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे आई होप की आज की क्लास हमें अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग